तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन हाउ आर यू ऑल कैसे हो सभी लोग एक बार जल्दी से जल्दी सभी लोग आ जाइए नाउ डियर फ्रेंड जैसा आप सभी को पता है टोटल अब पाँच दिन रह गए है मशीन डिजाइन को कम्प्लीट होने में mm -hmm. क्योंकि अब स्प्रिंग जो है आपका दो दिन लगेगा और तीन दिन आपका चलेगा साफ की एंड कपलिंग तो फटाफट सभी लोग आ जाओ स्प्रिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके गेट एग्जामिनेशन के लिए स्प्रिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जामिनेशन डियर तो फटाफट सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाओ एंड गाइज प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा सेशन को ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए क्योंकि तो हम बात करने वाले हैं डिजाइन ऑफ स्प्रिंग की डिजाइन ऑफ स्प्रिंग में क्या क्या है अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं है ठीक ना बेसिक इसका स्ट्रेस कैलकुलेशन बेसिक इसके टॉर्क कैलकुलेशन देन डिफ्लेक्शन देन स्ट्रेन एनर्जी यही हमारा कैलकुलेशन है बेसिक रूप से आफ्टर दैट इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने चाहिए जो गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सही है तो वो भी आपको कराया जाएगा डिजाइन ऑफ स्प्रिंग के क्वेश्चंस सो डियर यही आपका पूरा का पूरा डिजाइन ऑफ स्प्रिंग का पार्ट रहेगा तो बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा गेट के एग्जाम में भी आता है और क्वेश्चन भी सारे लग जाएंगे आशा करता हूं चलिए तो शुरुआत करते हैं अपन

हार्ट एंड सोल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग दिस इज द थ्योरी ऑफ मशीन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मशीन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इसी के साथ साथ वाइब्रेशन भी पढ़ाता हूँ और मेरे प्यारे भाइयों आपको स्पेशल क्लास में फ्लूड मैकेनिक्स भी पढ़ा रहा हूँ और आने वाले समय पर इंजीनियरिंग मैथामेटिक्स भी पढ़ाने वाला हूँ तो फटाफट सभी लोग जुड़े रहो बेटा एंड यू कैन सी दिस आप यहाँ देख सकते हो प्लस हो आइकॉनिक आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना हो इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन ओवर एनी सब्सक्रिप्शन प्लस या कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना हो आप यहां ज्वाइन कर सकते हैं ट्वेंटी टू ऑफ सितंबर इस डेट को देखो ये डेट है कल का ट्वेंटी टू ऑफ सितंबर से यहां न्यू बैच अनाउंस हो रहा है न्यू बैच अनाउंस हो रहा है आलोक लाइव कोड लगाओ और जुड़ जाओ फटाफट ठीक ना आ, प्लस लोगे तो मैजिकल लाइव क्लासेस रैंक इंप्रूवमेंट बैच इंग्लिश हिंदी बैचेस डाउट क्लियरिंग सेशन जहाँ बोलकर ही डाउट क्लियर कर सकते हो वीकली टेस्ट एंड क्रैश कोर्स ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है आलोक लाइव लगाओ और ज्वाइन कर लो आइकॉनिक लोगे तो आपको प्लस का फायदा देन उसके बाद पर्सनल कोच डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग इंस्ट्रक्टर एंड स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस सेट स्टडी प्लानर बूस्टर सेशन टेस्ट एनालिसिस सारी चीजें मिलेंगे आइकॉनिक पे आइकॉनिक एक बड़ा प्लेटफॉर्म है आइकॉनिक एक बहुत अच्छा आप कह सकते हो सब्सक्रिप्शन है क्योंकि यहाँ देखो फायदे कितने मिल रहे हैं डाउट सॉल्विंग इंस्ट्रक्टर मिल रहे हैं आपको स्टडी मटेरियल मिल रहे हैं पर्सनल कोच मिल रहे हैं तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ बहुत फायदेमंद है ये ध्यान रखिएगा बारह अट्ठारह चौबीस में से आप कोई भी मंथ का प्लान चूज कर सकते हैं अदरवाइज जो बचे हुए मंथ है उस हिसाब से आप थ्री और सिक्स मंथ का तीन और छह महीने का भी कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं ठीक है ना तीन महीने का भी प्लान है और छह महीने का भी प्लान है ठीक है ना आप हमारे साथ यहाँ जुड़ सकते हो प्लस पे भी और आइकॉनिक पे भी यू कैन सी दिस आइकॉनिक पे भी आप हमारे साथ यहां जुड़ सकते हो ठीक है ना कोड रहेगा याद रखियेगा कोड एज आलोक लाइव ठीक है ना आलोक लाइव है तो सब पॉसिबल हैश है, टैग डिजाइन मेरी जान है डियर यू कैन सी दिस और कल रात में मैंने एक लिंक भेजा है टेलीग्राम ग्रुप पे ठीक है ना वो लिंक के अंदर सारा चीज लाइन बाय लाइन सारे प्लेलिस्ट का लिंक है आप शायद देख चुके होंगे आशा करता हूँ आप शायद देख चुके होंगे कल रात में मैंने एक लिंक भेजा है टेलीग्राम के ऊपर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा फटाफट ठीक है ना उसको जरूर देख लीजिएगा एंड एंडवाइज प्राइस हाइक होने वाला है सब्सक्रिप्शन जल्दी से जल्दी ले लीजिए कोड यूज करना है बेटा आलोक लोक लाइव ठीक है ना चलिए शुरुआत करते हैं डिजाइन ऑफ स्प्रिंग की गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल चलो भाई शुरुआत करते हैं सो डिजाइन ऑफ स्प्रिंग में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बस ये बेसिक चीज पढ़ाऊंगा इज स्प्रिंग ठीक ना वट इज स्प्रिंग स्प्रिंग क्या है स्प्रिंग की टर्मनोलॉजी क्या क्या हैं देन सीधे हम लोग चलेंगे इसके डिजाइन कैलकुलेशन के ऊपर ठीक है ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे व्हाट इज स्प्रिंग स्प्रिंग का काम क्या होता है क्या काम करता है स्प्रिंग स्प्रिंग का काम क्या होता है जरा बताइएगा प्लीज गिव मी द कमेंट स्प्रिंग का काम क्या होता है आवाज आ रही है न क्लियर स्प्रिंग का काम क्या होता है अगर बात करना चाहूं स्प्रिंग सी सी दिस दिस स्प्रिंग डिफाइन एज ए इलास्टिक बॉडी इलास्टिक बॉडी इलास्टिक बॉडी क्यों वर्ड यूज किया गया ये वर्ड क्यों यूज किया गया इलास्टिक बॉडी इलास्टिक बॉडी इसलिए क्योंकि तुम अंडर इलास्टिक लिमिट सारी चर्चाएं करते हो स्प्रिंग का जो जो काम है जैसे स्प्रिंग का काम है शॉक एब्जॉर्ब करना कुछ नहीं, और कंट्रोल एनर्जी ड्यू टू तो आइदर शॉक और वाइब्रेशन इन अ कार स्प्रिंग ठीक है ना तो शॉक और वाइब्रेशन जो एब्जॉर्ब करता है जैसे कि किसी स्प्रिंग को तुमने दबाया अब दबाने के बाद तुमने तो दबा दिया एक फोर्स लगा के लेकिन वो अपने अंदर जितनी एनर्जी स्टोर किया स्ट्रेट एनर्जी उससे तुम्हें क्या कर देगा धकेल देगा ठीक है ना तो अपने वापस आ जाएगा अपने पोजिशन में दैट्स दिस नेम इज इलास्टिक बॉडी फंक्शन इज डिस्टॉर्ट वेन लोड एंड रिकवर इट्स ओरिजिनल सेप वेन लोड इज रिमोट कॉमन सेंस वही लाइन बोला जो मैंने आपको बताया कि, कि स्प्रिंग को जब तुम दबाते हो तो वो दब जाती है और जब तुम रिमूव करते हो लोड को तो अपने ओरिजिनल पोजिशन वापस आ जाती है इसलिए इसको हम इलास्टिक बॉडी कहते है। हैं कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जैसे आप देख सकते हो कुचनिंग एब्जॉर्ब करता है कंट्रोल करता है एनर्जी को कार में सस्पेंशन के द्वारा ठीक है ना एंड रेलवे बफर्स में यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट लैंडिंग गियर्स वगैरह में यूज करते हैं हम लोग ठीक है ना सॉक एब्जॉर्बर एंड वाइब्रेशन डैम्पर्स के साथ यूज करते हैं आपको तो ये पढ़ा भी दिया है डैम्पर्स के साथ जो हम लोग बाइक वगैरह में यूज करते हैं ठीक है ना टू अप्लाई फोर्स एज इन ब्रेक क्लच एंड स्प्रिंग लोडेड वॉल्व जाहिर सी बात है आपने ब्रेक पढ़ा आपने क्लच पढ़ा आपने हर जगह स्प्रिंग देखा ठीक है ना आपने हर जगह स्प्रिंग देखा आपने सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल ब्रेक में आपको याद होगा सॉरी सेंट्रीफ्यूगल क्लच में आपको याद होगा स्प्रिंग लगा था ठीक है ना आपको ये भी याद होगा कि क्या कहते कि हैं जो आपका क्लच पैड है उसके अंदर भी हमारे स्प्रिंग लगे हुए हैं तो बहुत सारे अप्लाई करते हैं सारा फोर्स अप्लाई करता है ब्रेक में क्लच में स्प्रिंग लोडेड वॉल्स में तो इसका यूज वहां भी हम करते हैं मतलब डेली लाइफ में हम जो है मैक्सिमम टू तो मैक्सिमम स्प्रिंग का यूज देखते हैं टू कंट्रोल द मोशन बाय मेंटेनिंग कंट्रोल कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू एलिमेंट एज कैम एंड फॉलोवर हाँ मोशन को भी कंट्रोल करने के काम में आता है आपको तो पता ही है कैम एंड फॉलोवर को आपको तो ये बात पता है ना कि कैम और इसके ऊपर एक फॉलोअर होता है और यह बात याद होगा आपको कि फॉलोवर के मोशन को कंट्रोल कौन करता है सर उसके मोशन कंट्रोल करता है स्प्रिंग तो वही लाइन लिखा है टू कंट्रोल द मोशन बाय मेंटेनिंग कांटेक्ट बिटवीन टू एलिमेंट कैम एंड फॉलोवर हर एक एक पॉइंट आप पढ़ चुके हो सच बताओ तो हर एक एक पॉइंट आप पढ़ चुके हो ये भी आप पढ़ चुके हो ये वाला भी पॉइंट आप पढ़ चुके हो ये आप बचपन से ही जानते हो कि स्प्रिंग का, का काम क्या होता है एबजॉर्व करो अच्छा, टू मेजर फोर्स एज ए स्प्रिंग बैलेंस एंड इंजन इंडिकेटर ये भी पढ़ चुके हो अब पूछो पढ़े हो? आपने balancing पढ़ा है, balancing पढ़ते समय spring balance. Spring balance कैसे करते? करते कुछ नहीं हैं, को balance करना होता है ठीक ना, spring balance जो होता है, टू मेजर फोर्स एज ए स्प्रिंग बैलेंस और इंजन इंडिकेटर्स यहाँ यूज करते हैं अच्छा टू स्टोर एनर्जी एज वॉच एंड टॉय ये तो खेला भी होगा बचपन में कि घड़ी को हम लोग ऐसे घुमा के छोड़ देते थे ठीक और जितना टाइम होता है जितना भी टाइम होता है उसने के बाद तो चीजें पता है ठीक है ना सर क्या एग्जाम में आएगा नो no. कोई वो जरूरत नहीं है इसको एग्जाम में आने की कोई जरूरत नहीं है ये तो बस मैंने बताया इसका स्वागत किया ये मैंने इसका स्वागत किया एग्जाम में ये सब नहीं आ ध्यान रखना ये तो बेसिक चीज है ये तो तुम्हें पता होना चाहिए जैसे मान लो कहीं इंटरव्यू में बैठ गया हाँ स्प्रिंग, स्प्रिंग, बोलना शुरू कर दो बोलना शुरू कर दो सर आपने स्प्रिंग कहाँ देखा है स्प्रिंग क्या है सबसे पहला पॉइंट तुम्हारा पहला अक्षर जो होगा वो यही होगा स्प्रिंग इज ए इलास्टिक बॉडी स्प्रिंग क्या इलास्टिक बॉडी है लेकिन ऐसे कुछ लोग बोल देते हैं इंटरव्यू में सर 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 स्प्रिंग इज ए डिवाइस डिवाइस सर स्प्रिंग इज ए एलिमेंट एलिमेंट ठीक है एलिमेंट बोला तब भी चलेगा बट अगर आप ऐसा बोलते हो स्प्रिंग इज डिफाइंड एज एन इलास्टिक बॉडी एज एन इलास्टिक बॉडी तुमने आधा तो डिफिनीशन दे ही दिया इलास्टिक बॉडी बोल गई आधे से ज्यादा डिफिनीशन तुमने दे दिया तुमने कि तुमको इसका मतलब इंटरव्यू का पता चल जाएगा तुम अब जो बोलोगे सही बोलोगे ठीक है ना बट तुम ऐसे बोलोगे स्ट्रिंग इज ए डिवाइस विच स्टोर एनर्जी है डिवाइस है

है ना टाइप्स ऑफ स्प्रिंग टाइप्स ऑफ स्प्रिंग अगर मैं बात करना चाहूँ डियर तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रिंग है बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रिंग है है ना जैसे हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग है स्प्रिंग स्प्रिंग है helical extension spring है हेलिकल एक्सटेंशन यह आपने साइकिल वगैरह में देखा होगा लगा हुआ साइकिल का जो पीछे स्टैंड होता है ना उसमें लगा हुआ देखा होगा कोयल स्प्रिंग है ये टॉर्सनल स्प्रिंग है इसको कहाँ देखा है सर ये टॉर्सनल स्प्रिंग हमने वहां देखा है हमने कहा अरे सर वो डंबल मारते हैं ना डंबल के कॉर्नर में लगा होता है कहीं कहीं तो नट बोल्ट वाला डंबल होता है जो जिम में जाकर जो डंबल मारते हैं कहीं कहीं तो फिक्स डंबल होता है ठीक है ना फिक्स डंबल मेरे पास रखा हुआ है मैंने एक दिन दिखाया था क्लास में ठीक ना कहीं कहीं होता क्या है कॉर्नर में आपका मतलब नट बोल्ट लगा होता है वो भी है मेरे पास बट कहीं कहीं क्या होता है सिर्फ टॉर्सनल स्प्रिंग लगा देते हैं कॉर्नर में ऐसे टॉर्सनल स्प्रिंग ऐसे फसा देता है उसको टाइट कर देते हैं तो ऐसे होता है स्प्रिंग बेल्ट लीफ स्प्रिंग आप देखे यू हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में बस में ट्रक में ज्यादातर यूज होता है लीफ स्प्रिंग देन ये ऑयल सील स्प्रिंग ऑयल सील स्प्रिंग जो है ना बहुत जगह आपने देखा होगा ठीक है ना ऑयल सील स्प्रिंग का आपने ज्यादा से ज्यादा यूज देखा होगा अपने घर में ठीक है हाँ पेन वाली स्प्रिंग जो भी है आप ये कह सकते हो ना तो थोड़ा बात करते हैं थोड़ी चर्चा करते हैं स्प्रिंग जो है बेटा दो टाइप का होता है एक ओपन क्वाल एक दो टाइप एक स्प्रिंग, एक ओपन क्वाल वर्ड का मतलब क्या है देखो क्लोज क्वेल का मतलब है एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा कितना क्लोज है ये सारे क्वाल सारे क्वाल कितने आपस में एकदम चिपके पड़े ठीक है ना ओपन क्वल जो होता है हमारा स्प्रिंग के एक क्वाल से दूसरे क्वाल के बीच में गैप होता है ठीक है एक क्वाल से दूसरे क्वाल के बीच में क्या होता है बेटा गैप होता है दिस इज कॉल्ड ओपन क्वल अगर मैं एक छोटी सी छोटा सा क्वेश्चन पूछू स्प्रिंग को जब आप फ्री छोड़ दोगे जब आप स्प्रिंग को फ्री छोड़ दोगे तो स्प्रिंग में आपको क्या दिखाई देगा ज्यादातर स्प्रिंग में आपको क्या दिखाई देगा ओपन टाइप स्प्रिंग लेकिन स्प्रिंग को अगर तुम दोनों साइड से ऐसे दबा दोगे तो तुम्हें कैसा दिखता है क्लोज क्वेल तो सर क्या उसको क्लोज क्वाल कहते हैं नहीं 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 क्लोज क्वेल होता ही ऐसा दिस इज द क्लोज ठीक है ना ये क्या ये क्या हमारा ओपन क्वाल है क्वाल हमारा क्या है बेटा ओपन है ना अच्छा एक बात आती है यहाँ सर कि हेलिकल हेलिकल स्प्रिंग वर्ड क्यों पड़ा आपको याद होगा गियर में भी हेलिकल वर्ड पड़ा था अभी मैं आपको दिखाऊँ देखो यहां से एक हॉरिजेंटल लाइन खींचो तो क्वाइल कैसे घूम के आया सर क्वाइल ऐसे घूम के आया अच्छा दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस इज व्हाट दिस अल्फा एंगल इज दिस अल्फा एंगल इज व्हाट सर दिस अल्फा एंगल इज एलिक्स एंगल ठीक है ना जिसकी वैल्यू जो होती है ना बेटा हम आपको बता देते हैं ग्रेटर देन पंद्रह डिग्री रखते हैं जनरली अल्फा की जो वैल्यू होती है ना उसका रेंज होता है टेन डिग्री टू 20 डिग्री 10 से 20 डिग्री का रेंज होता है है ना अब देख सकते हो तो जनरली यहाँ जो हम लोग रखते हैं ऐसा कुछ रखते हैं 10 से 20 डिग्री का एक रेंज रखते हैं ठीक है ना तो मैं आपको एक सिंपल सा बता ही देता हूँ, सुनो अब जो सच्चाई है वो सुन लो, ठीक है ना इसका जो एक्चुअल रेंज होता है ये तो जनरली रखते हैं बट एक्चुअली जो होगा आपका रेंज वो होता है आपका 15 डिग्री टू 45 डिग्री ठीक ना सो दिस इज द राइट आंसर ओके ये पंद्रह डिग्री से बड़ा होता है फिफ्टीन डिग्री से बड़ा होता है मैक्स टू मैक्स पैंतालीस डिग्री तक जाता है ठीक है ना याद रखिएगा अल्फा की जो वैल्यू होती है हेलिक्स एंगल वो तो पंद्रह से पैंतालीस तक की होती है वो जनरली दस से बीस का हम लोग बेसिकली रखते हैं ठीक है ना वो हम लोग ऐसे ही रख लेते हैं बेसिकली हाँ चलो भाई पंद्रह डिग्री है सोलह डिग्री है बीस डिग्री है ऐसा कुछ रख लिए ठीक है ना बट जो एक्चुअल रेंज होता है वो पंद्रह से पैंतालीस रखते हैं तो यहां भी हमारा ऐसा कर सकते हैं आप ये भी हमारा अल्फा हो यहां अल्फा कम होगा यहां अल्फा ज्यादा होगा अल्फा ज्यादा होगा ओपन क्वाल हो जाएगा ओपन हो जाएगा ना खुल जाएगा सी दिस तो देर टू टाइप ऑफ स्प्रिंग ओपन क्वाल एंड क्लोज क्वल अब सुनो मेरी बात क्लोज क्वेल हेलिकल स्प्रिंग का हम लोग जाएंगे डिजाइन करने हमारा डिजाइन हिस्सा किसका आज जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो डिजाइन ऑफ स्प्रिंग वो डिजाइन ऑफ स्प्रिंग का हिस्सा किसका है बेटा? वो है इसका बात क्लोज हेलिकल स्प्रिंग का हम इसकी डिजाइनिंग करेंगे ध्यान रखिएगा। डिजाइनिंग से पहले मैं आपको कुछ टर्मोलॉजी पढ़ाना चाहता हूं जिससे आपको हेल्प मिलेगा आगे टर्मोलॉजी मतलब हम पढ़ाएंगे आपको टर्म सुनिएगा ध्यान से स्प्रिंग में ये छोटे मोटे टर्म आप भी पहले से भी जानते हो यू कैन सी दिस देखो एक वायर मतलब वायर है स्प्रिंग क्या है एक वायर ही तो है उसको घुमा घुमा के घुमा घुमा के एक स्प्रिंग बना दिया यही ना तो एक वायर ये जो वायर है इसको हम डायामीटर को देखें तो यहां से यहां तक के को वायर डायामी कहते हैं जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे किससे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी से स्प्रिंग के एक सेंटर से अगले क्वाइल तक के मतलब एक क्वाइल से सेंटर से अगले क्वाइल के सेंटर तक के बीच के डिस्टेंस को कहेंगे हम पिच देखो अब कोई भी स्प्रिंग हो एक इनर डायामीटर होगा एक आउटर डायामीटर होगा तो इनर डायामीटर को हम नाम देंगे डी आई आउटर डायामीटर को नाम देंगे हम डी ओ क्लियर सर यहां लिखा है फ्री लेंथ ये क्या है बेटा देखो दो टाइप का लेंथ होता है एक होता है फ्री लेंथ एक होता है, है सॉलिड तो लेंथ फ्री और सॉलिड लेंथ में अंतर क्या है थोड़ा समझ अगर कोई स्प्रिंग ओपन है मतलब मैंने क्या बोला किसी स्प्रिंग को तुम फ्री रख दो ऐसे ही रख दो ऐसे ही रख दो बिना फोर्स लगाए विदाउट एन अप्लाइंग एनी फोर्स अगर इस स्प्रिंग को आपने यहां रखा है सो अब ये स्प्रिंग अपना फ्री लेंथ बताएगा वाई वी कॉल्ड फ्री फ्री इसलिए क्योंकि यहां कोई लोड नहीं लगा है इस स्प्रिंग के को ऊपर कोई लोड नहीं लगा है इसीलिए यहां वर्ड यूज किया है फ्री लेंथ अब इसका टोटल लेंथ यहां से नाप लो एक होता है सॉलिड लेंथ सॉलिड लेंथ क्या होता है दोनों साइड से स्प्रिंग को तुम कंप्रेस करो दबाओ जब तुम दबाओगे तो ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा कम हो जाएगा जब तुम दबाओगे तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा ये सारे क्वाइल के बीच में जो गैप है वो क्या हो जाएंगे बंद हो जाएंगे ठीक ना तो उसको हम कहते हैं सॉलिड लेंथ स्प्रिंग सॉलिड हो जाता है ठीक ना एंड यू कैन सी डायमीटर ऑफ द वायर इज स्मॉल डी आउटर डायमीटर डीओ इनर डायमीटर डी आई सी दिस मैं लिख देता हूं आउटर O, इनर डी आई ठीक है ना मीन डायामी डी स्प्रिंग इंडेक्स पिच एंड फ्री लेंथ इन तीनों को मैं अलग से पढ़ाऊंगा इन तीनों को मैं अलग से पढ़ाऊंगा अभी ठीक है ना ये मीन डायामीटर होता है मीन डायामीटर क्या होता है मीन डाया कुछ नहीं है यहां देख लो मैं लिख देता हूं आउटर डाया प्लस इनर डाया डिवाइड बाई टू मतलब इन दोनों के बीचों बीच एक डाया जा रहा हो दैट इज मीन डाया ठीक है ना इन दोनों के बीचों बीच से जा रहा हो डेट इज मीन डाया चलो भाई अभी हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके फ्री लेंथ से स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म है हमारा फ्री लेंथ स्प्रिंग में तीन चार चीजें समझ लो ज्यादा बेटर रहेगा स्प्रिंग में तीन चार चीजें समझ लो ज्यादा बेटर रहेगा मैंने पहले ही बोला है ठीक है देखो एक होता हमारा लेंथ लेंथ क्या होता है डियर ये हमारा स्प्रिंग क्या है ओपन है पूरा मतलब बिना किसी लोड का विदाउट एनी लोड विदाउट एनी लोड इज दैट क्लियर तो इसको हम कहते हैं क्या बेटा इसके लंबाई को हम लोग नापते हैं इसके लेंथ को हमने मेजर किया दिस इज कॉल्ड फ्री लेंथ ठीक है ना विदाउट एनी कंप्रेसिव लोड ठीक है ना विदाउट एनी कंप्रेसिव लोड दिस इज देंथ ऑफ फ्री एल एफ ठीक है ना अच्छा इसी में एक और टर्म है फिर मैं वापस आऊंगा इस पर एक होता है सॉलिड लेंथ सॉलिड लेंथ क्या होता है जैसे मान लीजिए जै कोई स्प्रिंग है ओपन है क्या है ये फ्री लेंथ वट इज दिस फ्री लेंथ ना अब मैंने क्या किया इस स्प्रिंग के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाना शुरू कर दिया मैंने क्या लगाया कंप्रेसिव फोर्स लगाया जब मैंने फोर्स लगाया तो यह स्प्रिंग ऐसा हो ये स्प्रिंग जो इतना बड़ा आपको दिख रहा है जब मैंने फोर्स लगाया क्या लगाया मैंने फोर्स लगाया तो ये दब गया ठीक है ना ध्यान रखना तो माय डियर दिस इज व्हाट दिस इज सॉलिड लेंथ यू कैन सी दिस सॉलिड लेंथ निकालना आसान है मैंने कहा कैसे भाई ये देखो अब, अब ऐसे क्या है सॉलिड लेंथ की बात करते हैं मैं सॉलिड लेंथ में लिख देता हूं आफ्टर अप्लाई कंप्रेसिव ही न सी दिस सॉलिड लेंथ जो है हमारा किस टाइप का है एक क्वाइल फिर उसके नीचे जस्ट उसके नीचे दूसरा क्वाइल फिर जस्ट उसके नीचे तीसरा क्वाइल फिर चौथा क्वाइल फिर पांचवा क्वाइल एन नंबर ऑफ क्वाइल हो गए बहुत सारे क्वाइल हो गए कितने क्वाइल हो गए एन नंबर ऑफ क्वाइल हो गए ठीक है ना चलो मैं एक बात मानता हूं मैं यहां मान लेता हूं एनडेस इज द नंबर ऑफ क्वाइल आपको लग रहा होगा यहां एन क्यों नहीं मान लिया एनडेस क्यों माना बताऊंगा एन जो होता है ना वो होता है एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल एनडेस मीनस टोटल नंबर ऑफ कॉइल ये क्या है दिस इज टोटल नंबर ऑफ कॉइल समझो एक कॉइल दो कॉइल तीन कॉइल चार कॉइल पांच कॉइल छह कॉइल जितने क्वाइल हैं उन सारे क्वाइल को जोड़ना है मतलब सबको हम लोग काउंट कर लेते हैं अच्छा मेरे को इसकी लेंथ चाहिए तो मैं क्या करूंगा एक डाया दूसरा डाया तीसरा डाया क्योंकि सॉलिड लेंथ वाला जो स्प्रिंग होगा ना वो कुछ ऐसा होगा ये सॉलिड लेंथ वाला तो आप देख रहे हो तो 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 ध्यान से देखो देखो एक क्वाइल कटाया फिर दूसरे क्वाइल कटाया फिर तीसरे क्वाइल कटाया ये सब क्या इनके बीच की गैपिंग क्या बता रही है बेटा इनके बीच की गैपिंग क्या बता रही है बेटा इनके बीच की गैपिंग डाया बता रही है देखो ध्यान से एक क्वाइल कटाया सी दिस एक क्वाइल कट आया फिर दूसरे कट आया फिर तीसरे कट आया फिर चौथे क्वाल कट आया ऐसे ही ऊपर करते 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 हम लोग लेकर जाएंगे सारे कोयल के को। सारे कोयल के को, ठीक ना? देंगे? जोड़ देंगे तो एक डी दो डी तीन डी चार डी तो जितना नंबर ऑफ क्वल होगा उतना डी जी सर तो कितना नंबर ऑफ कॉल है सर एंड इज द नंबर ऑफ कॉल सो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा सॉलिड लेंथ जिसको हम एल एस कहते हैं ये क्या होगा एंडेस इंटू डी बताओ भाई आ गया सॉलिड लेंथ क्या है एंडेस इंटू डी ये क्या होता है नंबर ऑफ क्वाइल इंटू उसका डायामीटर ना एक का डायमीटर फिर दूसरे का फिर तीसरे का फिर चौथे का फिर पांचवे का ऐसे कर करके करके कर करके -कर 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 सब ले सकते हैं आप इज दैट क्लियर एक बार बताओ बताओ भाई क्लियर है एक बार बताओगे ठीक है ना और जो बच्चे सोच रहे हैं कि स्प्रिंग इज नॉट इन स्लेवर्स इन गेट ठीक है ना वो अभी भी अंधकार में ही बैठे हुए जो बच्चे ये सोच रहे हैं स्प्रिंग सिलेबस में नहीं है गेट में या हम बाद में इसको पढ़ लेंगे अभी भी अंधकार में ही बैठे हैं सच सच बोल इज सॉलिड लेंथ नाउ फ्री लेंथ अगर मैं फ्री लेंथ की बात करूं व्हाट इज द फ्री लेंथ व्हाट इज द फ्री लेंथ डियर यू कैन सी दिस दिस इज व्हाट सर दिस इज़ सॉलिड लेंथ फ्री लेंथ का जो डिफिनीशन है ना वो सॉलिड लेंथ से ही निकला है सॉलिड लेंथ प्लस समथिंग तो फ्री लेंथ क्या होता है सॉलिड लेंथ प्लस सॉलिड लेंथ में क्या और जोड़ दू ये बताओ सॉलिड लेंथ और फ्री लेंथ में क्या डिफरेंस है सर यहां क्वाइल आपस में चिपके होते हैं कॉइल के बीच में डिफ्लेक्शन होता है गैप होता है यस yes. सो so, मेरे प्यारे भाई यहां आप क्या लिख सकते हो यहां आप क्लीयरेंस ऐड कर सकते हो ठीक है ना यहां क्लीयरेंस ऐड कर सकते हो प्लस यहां आप क्या गैप काज कर सकते हो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन स्प्रिंग के बीच में कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है ठीक ना एक क्वाल से दूसरे क्वाल के बीच में कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है आप वो एड कर सकते हो ठीक ना टोटल डिफ्लेक्शन आपने लिख दिया तो मेरे प्यारे भाई अब देखो ध्यान से एक छोटी सी बात ध्यान सॉलिड लेंथ प्लस क्लियरेंस जो होता है ना वो पंद्रह परसेंट ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन माना जाता है देखो एक डिफिनेशन तो तुम्हारा ये हो गया बट मैं आपको यहां एक और डिफिनेशन देना चाहता हूं क्लियरेंस जो होता है ना फिफ्टीन परसेंट ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन माना जाता है ठीक है ना दिस इज सॉलिड लेंथ प्लस दिस एंड दिस अगर ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.15 ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिस सी दिस देखे ध्यान से स्टार भरा क्वेश्चन है ठीक है ना स्टार भरा हुआ पॉइंट है मेरे भाई ये दोनों ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोनों इंपॉर्टेंट है स्टार दे दिया मैंने इस लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों का फॉर्मूला कोई पूछ सकता है एनी कुछ भी पूछ सकता है ध्यान रखिएगा कुछ भी पूछ सकता है एनी क्लियर है ठीक है ना अगर बात करना चाहूं अगला अगला एक टर्म था याद आ रहा है मुझे स्प्रिंग इंडेक्स देन पिच स्प्रिंग इंडेक्सिच स्प्रिंग स्प्रिंग इंडेक्स क्या होता है सी बराबर सी जो होता है ना ये होता है मीन डाया टू द वाया डाया का रेशियो ध्यान रखिएगा इट इज द रेशियो ऑफ मीन डाया टू द वायर डाया डाया मीन कैपिटल डी वायर डाया स्मॉल डी दिस इज द रेशियो अच्छा मीन क्वाल डाया के बारे में मैंने एक बात बताई थी डी जो होता है इनर डाया इनर डाया प्लस आउटर डाया डिवाइड बाई टू होता है याद रखिएगा ठीक है ना तो सुनहरा चमकता हुआ पॉइंट यही है रखिएगा तो सुनहरा चमकता हुआ पॉइंट यही है व्हाट इज द स्प्रिंग इंडेक्स ठीक है स्प्रिंग इंडेक्स के बाद एक बात आती है वो है आपका स्प्रिंग स्टीफनेस स्प्रिंग स्टीफनेस क्या होगा स्प्रिंग स्टीफनेस आप सभी लोग जानते हो क्या होता है बेटा स्प्रिंग स्टीफनेस के बराबर फोर्स अपॉन डिफ्लेक्शन यही तो होता है तो स्प्रिंग पे लगने वाला जो फोर्स है जो कंप्रेसिव फोर्स है अपॉन स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन जो होगा तो के बराबर फोर्स को हम लोग डब्ल्यू से यहां शो करते हैं फोर्स को यहां डब्ल्यू शो करते हैं डिफ्लेक्शन को डेल्टा से ठीक है So, इस चीज को याद रखना ना खुश हो जाओ बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, इ, 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 दिस इज द स्प्रिंग इंडेक्स इज दैट क्लियर बताओ भाई इसमें चल क्यों नहीं रहा आज हाँ अब चला कमेंट रुका पड़ा था ठीक है ना हाँ अब इसके बाद क्या था भाई एक और बात था ना पिच पिच था याद होगा pitch. Spring के अंदर पिच पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत भयंकर वाला पॉइंट है याद रखना पिच से छोटे छोटे क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाता है थोड़ा ध्यान से पिच क्या है अगर मैं तुमसे एक जनरल पूछना चाहूँ पिच क्या है तो तुम क्या कहोगे सर मैं कहूंगा क्या तो सर।, सर ये गैप है सर पिच ये है ना पिच जी अब पिच आया कैसे अगर मैं तुमसे बोल कि ये इसका फ्री लेंथ है एक काम करते हैं, कलर चेंज कर अभी देखो बहुत अच्छे समझ में आएगा अगर मैं तुमसे बोलूं ये इसका फ्री लेंथ और नंबर ऑफ कॉइल्स है जी तो मेरे प्यारे भाई तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि पूरा सिस्टम में से एक हिस्सा हम ले रहे हैं बस जी सर इसी को तो पिच कहते हैं बेटा अगर मैं तुमसे एक छोटी सी चीज कहूं समझने की कोशिश करना कि व्हाट इज फ्री लेंथ तो नंबर ऑफ पिच दैट इज फ्री लेंथ हाँ आओ दिखाता हूँ देखो दिखा। फ्री लेंथ जो है बेटा आप ऐसे करते हैं जैसे मान लो मैं आपको इस चीज का ना फॉर्मूला जो है मैं आपको दूसरे तरीके से समझाना चाहता हूं मतलब एक दूसरा ही दिमाग लगा के आपको खुद समझाना चाहता हूं समझो बचपन में पढ़ा है ना एक रुपए में पांच टॉफी रुपए में पांच चॉकलेट या पांच टॉफी ठीक है ना समझो मेरी बात एक रुपए में पांच टॉफी ठीक है ना अब समझना अगर, अगर 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 मेरे पास पचास टॉफी है ठीक है ना तो मेरा क्वेश्चन है कितने रुपए हैं मेरे पास कितने रुपए थे जो मैं पचास टॉफी ले पाया सर दस रुपए थे इसका मतलब और क्या आ, अब यहां क्या है ना ये यही, यही वाला खेल है ये यही वाला खेल है कि इसने पचास टॉफी दे दिया है अब पूछ रहा है कितने रुपए हैं मेरे पास तो यह आपको ऐसे दे दिया कि दस रुपए में पचास टॉफी तो एक रुपये में कितने टॉफी ठीक है ना तो एक रुपए में कितने टॉफी पांच टॉफी तो मेरे प्यारे भाई फ्री लेंथ में टोटल आपको पता चल गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री लेंथ अब आपसे पूछ रहा है पिच मतलब एक छोटा सा फ्री लेंथ इसको अगर मैं दूसरे भाषा में बोलूं तो इसको मैं छोटू फ्री लेंथ बोलूंगा डी ऑफ फ्री लेंथ छोटू ऑफ फ्री लेंथ इसको मैं छोटू ऑफ फ्री लेंथ बोलूंगा याद रखना हमेशा सर ये छोटा पार्ट है ना पूरे हिस्से में से एक छोटा सा हिस्सा ठीक है तो आपने क्या किया सर पूरे हिस्से में से छोटा सा हिस्सा अच्छा अभी देखिएगा आपको सब समझ में आएगा मक्खन की तरह समझ में आएगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास सौ रुपए हैं समझने की कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास सौ रुपए हैं और आपको क्लास में हर एक बच्चे को पांच रुपए बांटने हैं तो क्लास में बच्चों की संख्या बताइए क्या होगा आप फटाफट क्या करोगे सौ रुपए है मेरे पास टोटल एक बच्चे को पांच रुपए देना है और बराबर मात्रा में बांट देना है तो पांच सौ बटे पांच कर देंगे हंड्रेड बाई फाइव दैट इज ट्वेंटी मतलब बीस बच्चे हैं यस और नो नो यस और ऐसे ही आप क्या करोगे मैं आपसे कहूंगा छोटू फ्रिज फ्री लेंथ बताइए पिच आप टोटल फ्री लेंथ लोगे डिवाइड बाई नंबर ऑफ क्वाइल से डिवाइड मार दोगे यही करोगे ना यही करोगे ना नंबर ऑफ क्वाइल से डिवाइड मार दो अब मैं आपसे क्वेश्चन कहता हूं सुनिएगा ध्यान से थोड़ा कि पिच जो है ये किसी एक का है जी सर किसी एक का है अच्छा ठीक है तो किसी एक का है तो पूरे लेंथ में से मैंने एंड से डिवाइड मार दिया दिस इज द फ्री लेंथ ठीक है ना समझो मेरी बात ना बेटा पिच जो होता है सबसे आखिरी वाले क्वाल का नहीं होता है अगर मैं तुमसे कहूं इसका पिच बताओ तो यहां से यहां का गैप देखोगे नो, no. इसका पिच बताओ तो यहां से यहां क्या गैप कहां का देखोगे कोई गैप नहीं देख पाओगे इसलिए आखिरी वाले का नहीं होता समझे मेरी बात तो इसीलिए क्या करते हैं यहां माइनस वन लगा देते हैं ना ऊपर नीचे एक क्वाइल का पिच नहीं देखते हैं इज दैट क्लियर सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पिच पूरे सी दिस दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पिच इसको क्या दे दिया जाए इसको भी यही दे दे यू कैन सी दिस यू कैन सी दिस दिस इज द पिच पिच कुछ नहीं है एक क्वेल से दूसरे क्वेल के बीच का गैपिंग है फ्री लेंथ अपॉन एंड एस माइनस वन होता है अच्छा अब एक पॉइंट और आता है एंड एंड कनेक्शंस ऑफ स्प्रिंग एंड कनेक्शंस ऑफ स्प्रिंग क्या होता है सर देखो चार टाइप के एंड होते हैं एक होता है हमारा ग्राउंडेड एंड एक होता है हमारा प्लेन एंड एक होता है स्क्वायर एंड एक होता है स्क्वायर एंड ग्राउंडेड एंड चार टाइप का एंड है मैं यहाँ एबीसीडी करके लिख देता हूँ प्लेन एंड स्क्वायर एंड ग्राउंडेड एंड 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 स्क्वायर ग्राउंडेड आप समझने की कोशिश करो ये होता क्या है थोड़ा सा भी इसको भी चर्चा कर लिया जाए एक्चुअली आप कोई भी स्प्रिंग को देखिए आपके पास अगर कोई पेन है जैसे मेरे पास ये पेन है अगर आपके पास भी हो ये करने वाले पेन्स तो ये खुलता भी है क्या अरे ये तो खुलता ही नहीं है ठीक ना अगर आपके पास कोई पेन हो तो आप उसका पेन का स्प्रिंग निकालो जब उस पेन का स्प्रिंग निकालो ना तो आपको ना दोनों साइड एंड जो होगा आपको वो कनेक्शन देखना है बस देख लो एक बार आपको वो कनेक्शंस देख लेना है ठीक ना मैं तब तक आपको लिख के दिखा देता हूं देखो प्लेन एंड जो होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वाइल आपको देखना है देखिए जरा देखिए जरा टोटल नंबर ऑफ क्वाल जो होता है एनडेस बराबर एनडेस बराबर एनडेस बराबर बराबर प्लेन एंड है एंड होगा स्क्वायर है एंड प्लस टू होगा ग्राउंडेड है एन होगा या एन प्लस टू थोड़ा समझा देते हैं देखिए आपके पास स्पाइरल कॉपी है कोई भी स्पाइरल बाइंडिंग कॉपी एनी स्पाइरल बाइंडिंग कॉपी अगर आपके पास कोई भी स्पाइरल बाइंडिंग कॉपी है तो आप कुछ मत करो स्पाइरल बाइंडिंग कॉपी को देखो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा ठीक है ना ऐसा कुछ दिख रहा होगा क्या सर सबसे एंड देखो आपका एंड जो होगा ना वो बाहर निकला होगा बाहर निकला होगा ठीक है ना अच्छा इसको हम लोग कहते हैं बेटा प्लेन एंड ये होता है प्लेन एंड याद रखना दिस इज व्हाट दिस इज प्लेन एंड मैं आपको बना के दिखा रहा सही से। अपने एक्सिस से ऊपर उठे होना दिस इज कॉल्ड प्लेन एंड स्क्वायर एंड इज कॉल्ड स्क्वायर एंड देखो आप अपने पेन में देखो एक होता है ग्राउंडेड एंड ग्राउंडेड क्या होता है जो ऊपर वाला पोर्शन है ना वो ग्राउंडेड हो जाए ठीक है ना मैं एक काम करता हूं मैं आपको एक इस दिखा देता हूं कोई भी एक कॉपी ले लेते हैं ना मेरे पास एक कॉपी है ठीक है ना आप समझो यहां देखोगे आप आप इस स्पाइरल बाइंडिंग कॉपी में लास्ट में क्या करते हैं ऐसे ऐसे बाइंड लगा देते हैं ये लोग ऐसे फंसा देते हैं ताकि ये बाहर ना निकले बट अगर मैं इसको सही तरीके से देखूं तो ये क्या हुआ है ये अपने एक्सिस से क्या कर दिया गया है बाहर निकाल दिया गया ऊपर उठा दिया गया अगर मैं इसके इस एंड को अगर मैं इसके एंड को ऐसे ऊपर उठा दूं ठीक है ना अगर मैं इसके एंड को ऐसे ऊपर उठा दूं ये देख पा रहे हो ठीक है ना अगर इसके एंड को मैं ऐसे ऊपर उठा दूं सो दिस इज कॉल्ड प्लेन एंड ग्राउंडेड एंड क्या होता है ग्राउंडेड एंड जो ये अभी था अगर मैं इसके एंड को ऐसे अंदर की ओर ग्राउंडेड कर दूं ये क्या करते हैं ग्राउंडेड कर दिया मतलब ऊपर में पूरा क्या कर दिया ग्राउंडेड कर दिया ये क्या कर दिया ग्राउंडेड कर दिया यू कैन सी दिस ऐसे लाया यहां, यहां मोड़ के अंदर कर दिया इसको क्या कर दिया ग्राउंडेड कर दिया अब ऊपर में तीन क्वाइल एक साथ ऐसे चिपका पड़ा होगा नीचे का सबसे सबसे नीचे वाला दो तीन क्वाइल एक साथ चिपका होगा देख लो अपने पेन में ठीक ना ग्राउंडेड में क्या होता है कि चीजों को जो हमारा जैसे हमारा स्प्रिंग अगर बाहर निकला हुआ है तो इसको हम क्या करते हैं ग्राउंडेड कर देते हैं अंदर की ओर घुमा देते हैं अच्छा अगर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूं स्क्वायर एंड ग्राउंडेड कैसा होता है तो बेटा जो पेन वाला है ना वो स्क्वायर एंड ग्राउंडेड है तुम्हारा रत्ती भर भी बाहर नहीं निकला होगा सब अंदर एकदम चिपका होगा ऊपर में दो तीन क्वाइल नीचे दो तीन क्वाइल तुम्हें दिख रहा होगा दिख रहा है सभी को देख लो कोई भी स्प्रिंग वाला पेन हो कोई भी स्प्रिंग वाला पेन हो देख लो कोई भी स्प्रिंग वाला पेन हो आप देख सकते हो ठीक है नाउ माय डियर बात आती है कि दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ क्वाल ये क्या है पहली बात तो पॉइंट समझो प्लेन इंड जो होता है इसमें सारे क्वाइल ऐसे ओपन होते हैं तो भाई इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वाइल एंड होता है वो एन होता है मतलब एन क्या है थोड़ा सा मैं एन लिख देता हूं एन इज द एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल समझे एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल क्या है देखना ना जैसे मान लो तुम कॉलेज का क्लासरूम देखे हो अपना कॉलेज का क्लासरूम देखो हां देखे, हाँ देखे मान लो कॉलेज के क्लासरूम में टीचर आगे भी खड़ा है दो तीन टीचर पीछे भी खड़े हैं ठीक ना सारे बच्चे एक्टिव होंगे कोई नहीं इधर उधर कर रहा होगा क्योंकि पूरे लाइन पूरे चारों तरफ टीचर खड़े हैं ना देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है तो कोई हिलेगा नहीं कोई सब सब एक्टिव रहेंगे सब ऐसे बैठे रहेंगे तो ऐसा ही कुछ यहां भी है कि प्लेन एंड में क्या होता है आगे और पीछे सारे क्वाइल हमारे ओपेंड होते हैं सारे क्वाइल एक्टिव होते हैं एक्टिव वर्ड का मतलब क्या है एक्टिव का मतलब है जगे होते हैं एक्टिव का मतलब क्या है जगह होते हैं है? स्प्रिंग का नींद लगता है क्या नहीं 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 स्प्रिंग पे जब लोड लगाते हो ना कंप्रेशन लोड जब स्प्रिंग पे तुम लोड लगाते हो ना कंप्रेशन लोड तो वो लोड सब क्वाइल पे लगता है ईच एंड एवरी क्वाइल पे इस पे भी लगता है इस पे भी लगता है मतलब वो किसी क्वाइल को छोड़ते नहीं तो प्लेन इंड में एंड ही एंड के बराबर है ग्राउंडेड एंड में देखो ग्राउंडेड एंड में भी क्या होता है हल्का सा क्वाइल मुड़ जाता है बस हल्का सा क्वाइल ग्राउंड कर दिया जाता है ताकि बाहर ना रहे लोड तो यही लगता है देखो लोड तो ऐसे ही लगेगा है ना जब लोड यहीं लगता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि यह भी हर एक क्वाइल को यूज कर रहा है अच्छा स्क्वायर एंड जहां जहां तुम्हें स्क्वायर एंड दिख रहा है वहां एन प्लस टू दिख रहा है इसलिए बोल रहा हूं आओ देखते हैं पेन वाले स्प्रिंग में तुम देख रहे हो गे जहां पेन वाला स्प्रिंग होगा जो पेन में तुम्हारे स्प्रिंग होगा उसमें दो तीन क्वाइल एक साथ चिपका होगा अब तुम ये बताओ जब वो लोड लगा तो दो तीन कॉइल जब एक साथ चिपका पड़ा है तो वो एक सिंगल बॉडी हो गया ना तो मैं कह रहा हूं एक सबसे आखिरी वाला कल सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला ये दोनों आपस में काउंट नहीं होते हैं ठीक है ना इसीलिए यहां n प्लस टू होता है n प्लस टू का मतलब क्या है दो नॉन एक्टिव क्वाइल है n एक्टिव क्वेल है तब तो जाके टोटल नंबर ऑफ क्वाइल निकला एक सबसे ऊपर वाला एक सबसे नीचे वाला नॉन एक्टिव क्वाइल है ठीक ना बस वो वो लोड लेने के ही काम करता है वो आगे पहुंचा देने का काम करता है वो अपने ऊपर इतना झेलता नहीं इसीलिए ऐसा लिखा जाता है एन प्लस टू गेटिंग माई पॉइंट ना अब सर इसको याद कैसे करें याद करने का भी टेक्निक है स्क्वायर का मतलब क्या होता है किसी के पावर में टू लगा देना ठीक ना जैसे एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर स्क्वायर का मतलब क्या पावर में टू लगा देना देखो जहां जहां स्क्वायर है वहां वहां प्लस टू लिखा हुआ है जहां जहां स्क्वायर लिखा वहां वहां प्लस टू लिखा हुआ जहां -जहां है खत्म कहा नहीं याद हो गया ना, एन याद रखना एन क्या है जो जगे हुए क्वाइल है जिसका नींद ओपन है जिसका आंख खुला हुआ एन ठीक है ना याद रखिएगा एन प्लस टू क्लियर है इज दैट क्लियर इतनी बात समझ में आ गई इतनी बात समझ में आ गई एक बार बताओ एक्टिव नंबर ऑफ क्वाइल क्लियर ठीक है ना चलो भाई क्लियर हो ही गया है तो इससे हम लोग ये लगाएंगे नहीं ये लगाएंगे ठीक है ना पता हासिल कर ली इस पे इस पे भी क्लियर है ना चलो डन है आगे बढ़ते अब बात करते हैं बेटा स्ट्रेसेस इन हेलिकल स्प्रिंग देखो बेटा ये सब तो टर्नोलॉजीज था छोटे मोटे टर्नोलॉजीज आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं अब बात करेंगे बेटा स्ट्रेसेस इन हेलिकल स्प्रिंग ऑफ सर्कुलर स्ट्रेसेस की बात करेंगे ठीक है ना स्ट्रेसेस की चर्चा करते हैं अब चलो देखो बेटा जैसे हमारे पास यहाँ एक स्प्रिंग है ठीक है ना ये स्प्रिंग है आप, आप चाहो अलग से स्प्रिंग बना लो कोई दिक्कत ना ठीक है ना अब कोई भी स्प्रिंग है आपके पास जैसे मान लो मैं अलग से ही बना देता हूं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट मैं ट्राई करता हूं स्प्रिंग बनाने का कुछ टेढ़ा मेढ़ा बन जाए क्षमा करें ठीक है देखिएगा See this? मैंने यहाँ एक स्प्रिंग बना दिया है ना एक सिंगल स्प्रिंग बनाया टेढ़ा मेढ़ा बना हो तो ध्यान दे लेना कोई बात नहीं दिस मैं इस स्प्रिंग पे क्या लगा रहा हूं एक लोड लगा मैं इस स्प्रिंग पे क्या लगा रहा हूं बेटा एक लोड लगा रहा हूं कौन सा लोड लगा रहा हूं एक्सेल लोड लगा रहा हूं दैट इज डब्ल्यू मैं इस स्प्रिंग पे लोड लगा रहा हूं दैट इज एक्सियल लोड दैट इज डब्लू यू कैन सी दिस अब अगर मैं बात करना चाहूं एक डाया होगा इनर डाया एक होगा आउटर डाया एक होगा मेन डाया यू कैन सी दिस ठीक है ना सी दिस एक डब्लू होगा एक आउटर डाया होगा एक इनर डाया होगा एक मीन डाया होगा अगर मैं बात करना चाहूं डियर मीन डाया कहां से कहां तक का होता है ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस जो होता है हमारा थोड़ा समय और आगे ले पीछे ही लेकर चले यह डाया मेन डाया बेटा अगर मैं तुमसे पूछना चाहूं कि इस लोड के कारण स्प्रिंग पे क्या होगा सर आप जब स्प्रिंग को ऐसे खींचेंगे ना बीचो बीच तो स्प्रिंग ने एक पतला वायर बन जाएगा मतलब जब आप स्प्रिंग को खींचेंगे ना तो स्प्रिंग ना सीधा सीधा घूमते 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 सीधा हो जाएगा स्प्रिंग घूमते 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 गू क्या हो जाएगा बेटा सीधा हो जाएगा वायर बन जाएगा मतलब उट दिस थिंक अबाउट दिस थिंक तो एक तो डायरेक्ट एक्सेल लोड लगेगा डायरेक्ट लोड लगेगा डायरेक्ट स्ट्रेस जन्म लेगा एक डायरेक्ट और दूसरा क्या जन्म लेगा टॉर्सन तो जब आप लोड लगा के खींचते हैं तो एक डायरेक्ट डायरेक्ट स्ट्रेस जन्म लेगा और एक टॉर्सन जन्म लेगा एक टॉर्सनल टॉर्सनल स्ट्रेस जन्म लेगा समझो मेरी बात एक डायरेक्ट स्ट्रेस जन्म लेगा एक टॉर्सनल स्ट्रेस जन्म मिलेगा तो देर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस ना मेरा क्वेश्चन अब ये है आप लोगों से कि यहां कौन सा स्ट्रेस आएगा सीयर स्ट्रेस आएगा या नॉर्मल स्ट्रेस आएगा कोई बताएगा मुझे यहां सियर स्ट्रेस आएगा कि नॉर्मल स्ट्रेस आएगा कोई बताएगा मुझे हाँ टेस्टिंग होगी वेरी गुड यहां सीयर स्ट्रेस आएगा कि नॉर्मल स्ट्रेस आएगा सर सी स्ट्रेस आएगा क्यों क्योंकि ट्विस्टिंग होगी जब खींचोगे तो ऐसे ट्विस्ट करेगा जब कोई चीज ट्विस्ट करता है तो जाहिर सी बात है वहां ठीक है तो ये जो भी है आ, आगे इसके सीयर वर्ड जोड़ दीजिए डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस टॉर्सनल सीयर स्ट्रेस इज दैट क्लियर डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस टॉर्सनल सीयर स्ट्रेस इज दैट क्लियर ना अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि भैया जब ये टॉर्सनल सीयर स्ट्रेस कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर एक टॉर्क होगा है ना इसके अंदर एक टॉर्क होगा जाहिर सी बात है टॉर्क क्या होगा अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो ये टॉर्क क्या होगा ठीक है ना ये एक काम करें यहां है पहले तो डायरेक्ट ही लिख लेते हैं जब तुमको डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस दिखाता हूं देखो ध्यान वट इज दिस को बताएगा मुझे सर दिस इज दिस इज द डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है ना जिसको हम क्या कहेंगे जिसको हम कहेंगे टाउ वन टाउ वन क्या होगा एंड इस तो कहेंगे हम टाउट यहां से जो सीयर निकलेगा वो टाउट डायरेक्ट सीयर क्या होगा डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस टाउ वन क्या होगा लोड अपॉन एरिया व्हाट इज द एरिया सर पाई बाई फोर डी स्क्वायर बेटा इसको हम लिख सकते हैं फोर डब्ल्यू अपॉन पाई डी स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं यार दिस इज क्वेश्चन नंबर वन कोई दिक्कत अरे यार लोड अपॉन एरिया और क्या फोर्स अपॉन पाई बाय फोर डी स्क्वायर क्योंकि डायरेक्ट किसके ऊपर लग रहा है देखो ना एक्सिस क्या है वायर एक्सिस क्या है वायर डाया एंड दिस इज द डायरेक्ट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ओके नाउ अब बात करेंगे बेटा दूसरा नंबर टॉर्सनल सीयर स्ट्रेस ये तो पहला नंबर था टॉर्सनल सीयर स्ट्रेस है ना टॉर्सनल सियर स्ट्रेस यहां हम टाउ टू ले लेंगे ठीक है हम सभी जानते हैं टी बाई जे प्योर टॉर्सन इक्वेशन वॉट इज प्योर टॉर्सन इवेशन टी इज़ इक्वल टू इक्वल टू जी बट हम इसमें से कितने को लेंगे बराबर इज़ द टाउ टी आर बाई जे वॉट इज द टाउ टी आर बाई जे सो दिस इज टाउ टू नॉट अ टाव नाउ hmm, एक सेकेंड अब लेते हैं इस साइड टाव हो गया टाव टू टॉर्क क्या होगा टी सर डब्ल्यू इज द लोड एंड अब क्वाइल घूम रहा है पहले में तो डायरेक्ट सीयर डायरेक्ट सीयर स्टेशन में तो वायर पिन लगा वायर पे वायर पे लोड लगा बट सेकेंड क्या होगा क्वाइल रोटेट कर रहा है क्वाइल रोटेट कर रहा है तो क्वाइल का डाया क्या है मीन क्वाइल डाया डी तो टॉर्क क्या होगा डब्ल्यू इंटू डी बाई टू ठीक है ना टॉर्क क्या होगा ऐसे मान लो यहां लोड लग रहा है तो ये डिस्टेंस डी बाई टू तो वही बात हो रही है ये आपका क्या है क्वाइल है ठीक है ना डी वाई टू डिस्टेंस पे आपका क्या लग रहा है डियर टॉर्क लग रहा है डी वाई टू डिस्टेंस पे क्या लग रहा है बेटा टॉर्क लग रहा है इस पे ऊपर इसपे नीचे गड़बड़ बन रहा है छोटा सा ही बना देते हैं सी दिस दिस इज दीयर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन अब तुम्हारे मन में भी आ रहा होगा ऐसा क्यों देखो ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर ऐसे टॉर्क लग रहा है इस तरीके से क्या लग रहा है बेटा टॉर्क सो दिस इज वॉट सीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये इसका सीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है तो टॉर्क टी क्या हो जाएगा जी डब्ल्यू इंटू डी वाई टू लोड इंटू डी वाई टू आर क्या होगा सर ये होगा स्मॉल डीवाई टू अच्छा जे क्या होगा सर पाई बाई बत्तीस डी टू पावर फोर चार से कटा आठ आठ ऊपर जाएगा ये डी से डी कट गया अच्छा तो बन गया एट डब्लू कैपिटल डी अपॉन पाई डी का दिस क्यूस स्टाउटू कैलकुलेशन कर लो कैलकुलेशन करो देखो दो दो चार देखो आर को स्मॉल डी बाई टू दो, दो चार से आठ घटा ये आठ ऊपर चला जाएगा पाई एक डी से ये कट गया डी क्यू पाई डी क्यू खत्म हुआ तो टाउ टू आ गया और इसका डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी बन गया, गया बहुत अच्छी बात है तो हमको पता है कि स्प्रिंग पे दो टाइप का सीयर स्ट्रेस लगता है एक सीयर स्ट्रेस होता है डायरेक्ट और एक होता है हमारा क्या टॉर्सनल तो अब टोटल सीयर स्ट्रेस क्या है कौन बताएगा आओ देखते हैं

बेटा मैं ये कॉमन कर रहा हूं ठीक है जब मैं ये कॉमन कर रहा हूं तो यहां वन बचेगा और यहां क्या होगा सर दिस अपॉन दिस फोर डब्ल्यू अपॉन पाई डी स्क्वायर ठीक है डिवाइड बाय दिस यहां क्या बचेगा यहां वन बचेगा अच्छा आप लोगों भी अगर नहीं समझ में आए तो मैं आपको बता देता हूं देखो जैसे मान लो यहां लिखा है ए प्लस बी ठीक है मैंने बी को कॉमन किया जब मैं बी को कॉमन करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा ए अपन बी ना क्योंकि ए में तो बी है नहीं तो यहाँ वन हो जाएगा वैसे ही किया मैंने ये कॉमन किया तो यहाँ दिस अपॉन दिस हो गया दस वन हो गया अब इसको आपस में काट लो काटो पीटो खोलो लगा लो कहा गए आओ देखो पाई डी स्क्वायर पाई डी क्यू भैया यहाँ तो एक डी बच गया चार से ये दो बच गया भैया गजब ये डी ऊपर चला गया अरे वाह डी अपॉन टू कैपिटल डी बचा क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ इतने बच्चे नहीं समझे कुछ नहीं बेटा देखो फोर डब्ल्यू से एट डब्ल्यू कट गया दो बार में पाई डी स्क्वायर से पाई डी क्यूब में एक डी बच गया तो डी ऊपर चला गया अपॉन टू यहां बचाए कैपिटल डी तो डी अपॉन टू डी खत्म कहा नहीं वन नाउ डियर यू कैन सी दिस ये हमारा आ गया दिस इज द टोटल दिस इज द टोटल सीयर दिस इज द टोटल सीयर स्ट्रेस डियर अगर मैं इसको सही से लिखना चाहूंगा बराबर ए डब्ल्यू डी अपॉन फाइव डी का क्यू ब्रैकेट वन प्लस वन अपॉन टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी लिख सकते हैं अरे यार देखो ना इस स्मॉल डी को इसके नीचे ले आए यहां वन अपॉन हो गया खत्म कहानी तो टाउ बराबर ए डब्ल्यू डी अपॉन फाइ डी का क्यूब वन प्लस वन डी डीवाई डी क्या होता है सर सी स्प्रिंग इंडेक्स स्प्रिंग इंडेक्स होता है ना सी सी इज अ डी डीवाई डी so what is this sir this is a nothing but total shear stress total shear stress in spring ठीक है नाउ अब इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिखेंगे अब देखना ध्यान से इसको सही तरीके से थोड़ा लिखते हैं देखोगे थोड़ा इज द डायरेक्ट सियर स्ट्रेस दिस इज दीस अभी हमने यही दोनों बनाया आपको ये दोनों नहीं दिखाया आपको अभी दिखाते हैं अभी समझ में आ जाएगा देखिए वन प्लस वन पॉइंट, ये जो आप देख पा रहे हो वन प्लस वन पॉइंट टू सी इसको हम लोग के एस कहते हैं क्या कहते हैं केएस ये क्या होता है ये होता है सीयर स्ट्रेस फैक्टर ये क्या होता है सीयर स्ट्रेस फैक्टर नाउ डियर यू कैन सी दिस जब ये कैलकुलेशन हुआ जब ये कैलकुलेशन हुआ ना जब ये स्प्रिंग पे कैलकुलेशन किया गया ना तो हम लोगों ने क्या दिमाग लगाया हम आपको थोड़ा सा ज्ञान देना चाहेंगे जब ये कैलकुलेशन हुआ ना तो हम लोगों ने दिमाग क्या लगाया हम लोगों ने दिमाग लगाया यार स्प्रिंग है सीधा खींचेंगे सीधा खींचेगी और रोटेट करेगी बट 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 कोई चीज सीधे भी जा रही है और रोटेट भी कर रही है तो एक अलग पाथ पे ट्रेवल करती है इफेक्ट नहीं देखा हम लोगों ने हम लोगों ने क्या कर दिया सीधे सीधे लाइन खींच दिया हम लोगों ने क्या कर दिया सीधे सीधे लाइन खींच दिया एक साइंटिस्ट आयास निकाला है ना ये, निकाला है न, ये गलत है कहता क्यों क्यों गलत है भाई कहता भाई आपके इस के आपके इस केस ने जो डी वाई डी है जो पीछे गया तो ये हुआ इसने कर्वेचर इफेक्ट तो लिया ही नहीं कर्वेचर इफेक्ट क्या होता है आओ देखते हैं देखो ये चीज सीधे नहीं जाती है ये चीज ऐसे बैंड होके जाती है ठीक है ना बैंड होकर होकर जाती है क्यों 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 अरे यार तुम कॉमन सेंस लगाओ ना यहां देखो ना तुम क्या डी डी तुम देख पा रहे हो देखो ध्यान से यहां डी है और यहां क्या है डी क्यूब है अगर मैं ऐसे यूनिट के ऊपर जाकर देखूं तो नीचे मीटर का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर मीटर नीचे मीटर क्यूब ऊपर से नीचे कट जाएगा तो आई थिंक यहां कुछ पैराबोलिक या क्यूबिक प्रोफाइल बनेगा सीधा लाइन तो नहीं बनेगा चाहे जो हो जाए भैया ये सीधा लाइन तो नहीं बनेगा ये बनेगा कोई कर्व सेप। ना कोई ना कोई कर्व सेप बनेगा तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा कर्वेचर इफेक्ट इसको क्या कहते हैं हम लोग नेगलेक्टिंग कर्वेचर इसको हम कहते हैं कंसीडरिंग कर्वेचर यहां क्या किया गया यहां किया गया नेगलेक्टिंग कर्वेचर इफेक्ट कर तो यहां नेग्लेक्ट कर दिया कर्वेचर इफेक्ट को यहां कंसीडरिंग कर्वेचर इफेक्ट यहां तो यहां इन दोनों में कंसीडर क्या कर्वेचर इफेक्ट को इसमें नेग्लेक्ट किया गया ना अब हमें समझ में आ गया क्या कि स्प्रिंग जो है ना स्प्रिंग जो है ना दो टाइप से डिवाइडेड है स्प्रिंग में एक बार नेग्लेक्ट किया जाता है कर्वेचर इफेक्ट एक बार कंसीडर किया जाता है कर्वेचर इफेक्ट अच्छा तो मतलब ये जो फॉर्मूला है मतलब केएस लगा के जो है समझे इस फॉर्मूले में ये क्या बन जाता है केएस लगा के तो डियर यहां अगर एक पेज जोड़ते हैं टाउ बराबर ए डब्ल्यू डी अपॉन पाई डी का क्यूब इनटू उसकी जगह क्या आ जाएगा के एस ये फॉर्मूला तभी हमारे लिए वैलिड है जब हम नेग्लेक्टिंग कर्वेचर इफेक्ट की बात करेंगे समझे मेरी बात जब हम नेग्लेक्टिंग कर्वेचर इफेक्ट की बात करेंगे ये तभी के लिए वैलिड है यह फॉर्मूला तभी वैलिड है जब नेगलेक्टिंग कर्वेचर इफेक्ट बात करेंगे बट एक साइंटिस्ट आया कहता गलत है गलत है गलत है ये क्या गलत है अच्छा जब कहा कंसीडर करो और उसने क्या करा कहा कि इस इफेक्ट को हटाओ ये सीयर स्ट्रेस फैक्टर को हटाओ ये गलत है ठीक है ना इसको कंसीडर करो कर्वेचर इफेक्ट को तो लोगों ने कहा तुम कौन हो तुम्हारा नाम क्या है तो कहता है मेरा नाम मेरा नाम है भाई साहब का नाम था वॉल्स वॉल्स एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है वॉल्स वॉल्स स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर और हेलिकल स्प्रिंग भाई साहब वॉल्स आए भैया हम तो कंसीडर करेंगे कंसिडरिंग करो भैया हम तो कंसीडर करेंगे जो सच्चाई है अच्छा बोलते अच्छी बात है तो वहां के डब्ल्यू हो जाएगा के एस नहीं होगा के डब्ल्यू हो जाएगा और फॉर्मूला लिखने का तरीका सुनिएगा ऊपर में लिखा फोरसी नीचे भी लिखा फोरसी ठीक है ना गिनती में एक पहले आता है चार बाद में आता है अच्छा कुछ नहीं किया यार नहीं समझे नहीं समझे आओ देखो चार चार है सी क्या है सी अल्फाबेटिक थर्ड लेटर है चार में से तीन गया एक नीचे चार होगा चार का चार उतर जाएगा प्लस जीरो दशमलव यहां फोकस करना आंखों को खोल के रखना छह में से एक गया छे में से एक गया क्या बचा पांच डिवाइड बाई सी ये है फॉर्मूला यही फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ठीक ना कंसीडर किया था कर्वेचर इफेक्ट को तो इसके अनुसार फॉर्मूला जो होगा वो के डब्ल्यू इंटू ए डब्ल्यू डी एफ पाई डी का क्यूब होगा बस क्या चेंज कर दिया उसने के की जगह क्या लिख दिया के डब्ल्यू यहाँ क्या होता है कंसीडर करते हैं इफेक्ट इफेक्ट कंसीडर क्या करते हैं बेटा कंसीडर करते हैं इज दैट पॉइंट इज दट क्लियर बेटा क्लियर बेटा फोर सी माइनस वन फोर सी माइनस फोर इज दैट क्लियर ठीक है ना सो दिस इज द वॉल्स स्ट्रेस फैक्टर फॉर हेलिकल स्प्रिंग उसने ऐसा कर लिया ठीक ना आई थिंक इट शुड बी क्लियर हा चल देखो जब वॉल्स ने कंसीडर किया ना तो उसका स्ट्रेस फैक्टर एक करवेचर में जा रहा था यू कैन सी दिस एक करवेचर इफेक्ट इसको मिल रहा था यहीं से उसने के ले लिया था ठीक है नाउ डिफ्लेक्शन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग अंडर एक्सियल लोड अब डिफ्लेक्शन का चाहो तो तुम डेरिवेशन भी कर सकते हो चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो ये तुम्हारे ऊपर है ठीक है तो हम यहां क्या करने वाले हैं अरे पीछे चलो भाई हम यहां क्या करने वाले हैं? हम डायरेक्ट लिखने वाले है ठीक ना इसका डेरिवेशन करने की इतनी जरूरत नहीं है वैसे डेरिवेशन करने में कुछ है नहीं तुम स्ट्रेन एनर्जी ले लो फटाफट सॉल्व हो जाएगा देखो दिखा देता हूं चलो यही तुमको अगर स्ट्रेन एनर्जी लेना है तो हाफ इंटू टी इंटू ठीता ले लो टी स्क्ट जी जे और टी की जगह रख दो जी और जे की जगह वैल्यू रख दो अपने आप फटाफट आ जाएगा आंसर चलो बात करते हैं डिफ्लेक्शन की तो हम डायरेक्ट लिखेंगे बेटा अंडर एक्सेल लोडिंग कंडीशन में जो डिफ्लेक्शन होता है डिफ्लेक्शन डेल्टा बराबर डेल्टा बराबर जो होता है ए डब्लू एन अपॉन जी डी टू पावर फोर होता हमारा क्या दिस इज द डिफ्लेक्शन अच्छा यहां आप सब कुछ पूछ सकते हो मुझसे डब्लू इज द लोड कैपिटल डी इज द मीन क्वाल आया स्मॉल एन इज द एक्टिव नंबर ऑफ क्वाल जी मॉडल स्मॉल डी वायर आया ठीक ना यहीं से एक वर्ड आता है स्प्रिंग स्टीफनेस अरे ये तो आपने पढ़ाया अरे रुक जाओ अभी पढ़ाते हैं स्प्रिंग स्टीफनेस जो होता है ये होता है लोड अपॉन डिफ्लेक्शन थोड़ा तो हम डिफ्लेक्शन का वैल्यू रख के चेक कर दें एडब्ल्यू डी ए डब्ल्यू डी क्यू एन अपॉन इट पावर डब्ल्यू से डब्ल्यू कट गया जी डी टू पावर फोर अब एट डी क्यू एन क्लियर है क्लियर है देख लो यस डियर क्वेश्चन आ चुका है गेट दो हजार इक्कीस में दिस इज दैट क्लियर ठीक है ना और अगर कोई स्ट्रेन एनर्जी पूछे एन स्प्रिंग तो आप कुछ भी कर सकते हो आप बता सकते हो दो तरीके से बता सकते हो या तो टी थीटा या तो डब्लू डेल्टा दिस इज द एरिया कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी हाफ इंटू लोड इंटू डेल्टा आप लगा सकते हो रिफ्लेक्शन क्या होता है ए डब्ल्यू डी क्यू एन अपॉन मैन पावर वन इट इवरफुलू स्क्वायर डी क्यू एन अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा क्लियर रहा अरे कुछ नहीं करना है यार लोड इनटू डिफ्लेक्शन का आराम से स्टे एनर्जी हलवा से है सो आशा करता हूं कि इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगे स्प्रिंग में जो भी आज पढ़ाया स्प्रिंग का एक पक्का सा चीज क्लियर हो गया होगा अगर हो गया है तो कमेंट बॉक्स में बवाल मचा दोगे कल स्प्रिंग के हम लोग सारे क्वेश्चन कर जाएंगे कल स्प्रिंग के सारे क्वेश्चन कर जाएंगे गारंटी है कल स्प्रिंग के सारे क्वेश्चन कर जाएंगे डायरेक्टली गारंटी बता रहा रो ए टू जेड क्वेश्चन ठीक ना और कोशिश करेंगे एक आध दो गियर डिजाइन का भी क्वेश्चन डाल दें ताकि गियर डिजाइन का जो आपको बोला था मैंने कि गियर डिजाइन कुछ क्वेश्चन देख लेंगे देख लेंगे वो भी ठीक ना देन परसों से हम लोग कैसे शुरू करेंगे साफ्ट की एंड कपलिंग ठीक ना साफ्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंस है की एंड ए, की कभी कभी आया हुआ है कपलिंग तो आता ही नहीं है गेट की बात करूँ तो ठीक ना तो हम लोग कपलिंग पे उतना ही पॉइंट बात करेंगे जितना हमारे टोम में थो थेटिकली थोड़ा बहुत बात किया जाता है क्वेश्चन आ जाता है ठीक है अथोरेटिकली थोड़ी बहुत बात होगी की का डिजाइन हम पढ़ेंगे की का डिजाइन ज्यादा बड़ा है नहीं एक बार क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है साफ्ट आता है क्योंकि साफ्ट इज बेसिकली रिलेटेड टू वॉट साफ्ट इज बेसिकली रिलेटेड टू सोम तो सोम से रिलेटेड हो जाएगा तो आराम से आप कर सकते हो आशा करता हूं आपको सब समझ में आ गया होगा ठीक है हाँ लीप स्प्रिंग का डिजाइन सिलेबस में नहीं है कोई मतलब नहीं है लीफ स्प्रिंग को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप सेमी सेमी क्वाइल पढ़ सकते हो या इलेक्ट्रिकल आप ऐसे पढ़ सकते हो दो टाइप का होता है लीफ स्प्रिंग आप उसको करना चाहोगे तो वैसे डिजाइन नहीं है इसका सिलेबस गेट एंड ई एस गोल में आलोक लाइव एक कोड है आप ये लगाइए और जुड़ जाइए ठीक है ना अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बेटा टू ज्वाइन दिस प्लस और आइकॉनिक का कोई भी ले सकते हैं लाइव क्लासेस रैंक इंप्रूवमेंट बैच इंग्लिश हिंदी बैचेस डाउट क्लियरिंग सेशन जहां आप बोलकर ही चेक कर सकते हैं वीकली टेस्ट क्रैश कोर्स आइकॉनिक में आपको प्लस मिलेगा पर्सनल कोच डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर स्टडी मटेरियल स्टडी प्लानर सिर्फ और सिर्फ एक कोड लगाने से दिस इज वॉट दिस इज द डिस्काउंट कोड ओके आपको आइकॉनिक का एक फायदा दिखाता हूं आज आप आज के डाउट पूछ सकते हो हाई वीडियो क्वालिटी सॉल्यूशन में बारह महीने अठारह महीने चौबीस महीने का कोई प्लान आपको भी देखो ज़्यादा यहाँ फीस नहीं लग रहा पर मंथ आपको सिर्फ इतना पे करना है ना आप स्टूडेंट लोन लेकर ज्वाइन कर सकते हो ठीक है ना कोई भी जरूरत हो आप ज्वाइन कर सकते हो डियर एंड प्राइस हाइक होने वाला है फटाफट ज्वाइन कर लीजिए आलोक लाइव इज कोड आलोक लाइव कोड है यहाँ देखिए आलोक लाइव है तो सब पॉसिबल हैश टैग डिजाइन मेरी जान है या लाइव मेंटरिंग प्रोडक्ट्स यू कैन सी दिस अगर मैं बात करना चाहूँ डियर अगर आप आइकॉनिक की बात करते हो आप बोलते हो ना कि आइकॉनिक क्यों ले है ना लाइव मेंटरिंग विथ ऑल न्यू आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सो यू कैन सी दिस आइकॉनिक के कितने फायदे मैं आपको दिखा देता हूं। फायदे तो आपने वहां देख ही लिए बट एक्सपीरियंस द जस्ट अ सेकेंड बेटा एक्सपीरियंस द पर्सनलाइज लर्निंग लाइक बिफोर आवर एक्सपर्ट मेंटर्स ठीक है ना आप जिनके साथ चाहो आप मेरे साथ चाहो आप मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो एक्सपीरियंस कर सकते हो डिस्कस योर डाउट क्लियरिफाई योर कॉन्सेप्ट एंड एनहांस योर एग्जाम स्ट्रेटजी ठीक है ना तो एनहांस योर एग्जाम स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट बेटा सिर्फ एक कोड लगाना है is, आलोक लाइफ कोड लगाइए और ज्वाइन हो जाइए डियर एक बात मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग से ही कि बैच अनाउंस हो गया है स्टार्ट होने वाला है यू कैन सी दिस 22 यानी कि कल से एक बैच अनाउंस हो रहा है आरोहन में और वर्व में भी 22 से बैच अनाउंस हो रहा है कल से याद कर लिया ज्वाइन कर लो फटाफट टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो बेटा एंड फ्लूड की आज की क्लास जो होगी वन थर्टी होगी डियर यू कैन सी दिस डेढ़ दिन में होगी मैं आपको लिंक भेज दूंगा ओके सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट इसी तरह बने रहो लगातार बढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो जीवन में ठीक है ना चलो भाई मिलते हैं 1:30 पीएम पे सो टिल देन एंजॉय बाय बाय तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय